सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद भी कई व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह के बिगड़ैल व्यापारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रवैया अपनाया है, जिसके चलते एक तरफ जहां दुकानों, होटल सहित अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चालान भी किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में दुकानदारों, व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टॉक संबंधित व्यापारियों को वापस भेज दें या फिर इसे आम जनता तक ना पहुंचाएं। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर की तरफ से 1 जुलाई से यह अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत बिलासपुर शहर, घुमारवी, मंडी जिला के डडौर, नेरचौक सहित अन्य का दौरा किया गया था। इस दौरान जहां 6,500 के चालान काटे गए हैं, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त भी की गई है। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट एक मेनेस बनता जा रहा है कंट्री में, और इसके का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने लगभग 11 महीने पहले ही एक नोटिफिकेशन निकाल के पूरी कंट्री में जो है कुछ 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया था। इसका अब मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, पोजेशन एंड यूज़ सब तरह से बैन कर दिया गया है। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश ने इस मामले में पहले ही लीड ले ली थी और प्लास्टिक की कटलरी को ऑलरेडी बैन कर दिया था, तो हमारे लिए बैन को इम्पोज करना काफ़ी ईजी हो गया है। इसमें जो 19 आइटम्स हैं, इसकी जानकारी हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल ऑफिस ने सभी व्यापार मंडलों से एक सीरीज ऑफ मीटिंग करके सबको जानकारी दे दी गई है। आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल और प्लेटफॉर्म है, तो व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो उसका एक पैम्फलेट बना के उनको सर्कुलेट कर दिया गया है ताकि सबको जानकारी रहे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी फंक्शनरीज की जो डिप्टी कमिश्नर मोदी की अध्यक्षता में एनजीटी मैटर्स की मीटिंग होती है, उसमें लगभग 4 मीटिंग्स करके सभी फंक्शनरीज को भी ये ज्ञान दे दिया गया था कि ये इसमें क्या क्या आइटम्स बैन हैं, इनका क्या क्या चलान है और कैसे इनका जो बैन है इम्पोज किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से ही इस बार जो है बैन हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, सेल, पोजेशन एंड यूजेज, ये पूरी चेन ही कंप्लीट हो गई है और अब इसका बैन हमें लगता है कि इफेक्टिव होगा। हालांकि कुछ पुराना स्टॉक पड़ा है, जैसे ईयरबड्स पड़े हैं या सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर जो फिल्म आती है वो अभी भी थोड़ी बहुत दिखी जा रही है, बट जैसे जैसे हमारी फील्ड इंस्पेक्शंस बढ़ रही हैं, लोगों की ये जागरूकता भी बढ़ रही है। अगर कंज्यूमर्स ही इसको लेने से मना कर देंगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही बैन जो है इफेक्टिव हो जाएगा और पर्यावरण को संरक्षण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि जहाँ पे भी जाएं, एज सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट करें और सबको ये ज्ञान दें कि जो 19 आइटम्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जो भारत सरकार ने बैन की है पैन इंडिया, इसके बारे में सबको जानकारी दें, क्योंकि सभी के पास जानकारी होगी तभी बैन इफेक्टिव हो पाएगा। सेकेंडली, मैं बताना चाहूँगा, सिंस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ए रेगुलेटरी बॉडी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को HP नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट में एम्पावर भी किया गया है फॉर सर्च, सीजर एंड चलान, तो उस संदर्भ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टाइम टू टाइम, क्योंकि इस ऑफिस की दो डिस्ट्रिक्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, मंडी एंड बिलासपुर, तो जगह जगह इंस्पेक्शंस करके जहाँ पे जैसे ऑलरेडी बैंड आइटम्स थी, जैसे कटलरी है और प्लास्टिक की पेपर प्लेट्स वगैरह जहाँ पाई गई वहाँ चलान भी किया है। तो लगभग 1 जुलाई से हमने एक डेली इंस्पेक्शन का एक शेड्यूल बनाया और डेली चलान हो रहे हैं, तो लगभग अभी हम 6,500 रुपये के चलान कर चुके हैं। लगभग 1.5 से 2 kg के बीच में जो हमने कुछ प्लास्टिक आइटम्स को सीज भी किया है, और हमारी ये चेष्टा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अभी लेटली आइटम्स इसमें ऐड हुए जाए, जैसे ईयरबड्स हैं या कैंडी स्टिक्स हैं, इस जो इन्फॉर्मेशन को है इसको वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी दें, बिकॉज ये सबके हित में है एंड इट रिक्वायर्स वाइड पब्लिसिटी फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।